नमस्कार क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने साठ वर्ष पहले दुनिया या फिर जिसको बोलते हैं ह्यूमन काइंड परमाणु युद्ध के कगार पे था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आज से ठीक साठ साल पहले अक्टूबर में एक मेजर चैप्टर हुआ था जो अनफोल्ड किया था तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज क्लिक के मुख्य संपादक प्रवीर पुरकास्त तो प्रवीर जी सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद आना ही पड़ेगा हमारा भी कार्यक्रम है बिल्कुल लेकिन होस्ट के नाते मेरा ये फर्ज है आपको धन्यवाद देना सबसे पहले जब हम ये कार्यक्रम करते हैं इतिहास के पन्ने तो हम कई बार कई मुद्दों पे बात करते हैं जो हमको बहुत महत्वपूर्ण लगता है लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए इसका क्या महत्व है आखिरकार हम बात कर रहे हैं उन्नीस सौ की घटनाओं की उन्नीस की घटनाओं के बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उन्नीस की चीन के साथ युद्ध ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कोई अगर हमको पूछे या आपको पूछे कि हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपका कार्यक्रम क्यों देखें आपके विचार क्यों सुने ये आज के हमारे कंटेम्प्री टाइम्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है आज के वक्त अगर आप देखें तो उस वक्त जितने न्यूक्लियर मिसाइल्स थे जी रूस और अमेरिका दोनों को देखते देख के उतने मिजाइल्स इस वक्त शायद इंडिया और पाकिस्तान के पास है चीन के पास तो और ज़्यादा है थोड़ा ज़्यादा है बहुत ज़्यादा नहीं उनके पास शायद 400 के लगभग जी हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शायद 200 सौ के हैं जी तो इस, इस ये अगर देखे तो जो उस वक्त सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में जो टकराव हुआ था जी। उसका जो संभावना है आज इससे कई गुना संभावनाएं सिर्फ हमारे बीच पे नहीं और देशों के बीच पे भी है और रूस और अमेरिका के अगर टकराव होता तो इस पर कोई दो राय नहीं कि दुनिया का कोई सिविलाइजेशन जिसे कहते बचेगा नहीं वह उस परमाणु युद्ध से किसी की परमाणु परमाणु युद्ध से क्या हमारी जो सिविलाइजेशन है बचने की संभावना है बहुत अच्छा नहीं है संभावना ये इसीलिए इसकी अहमियत बहुत है पर जो आप कह रहे हैं लोगों को क्यों याद नहीं रहता क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो छोड़ दीजिए क्यों नहीं। इस बात को लोग याद नहीं कर रहे हैं कि हम हमेशा कोई भी न्यूक्लियर एक्सचेंज में हमारी सिविलाइजेशन हम खत्म कर सकते हैं क्यों अहम मुद्दा नहीं बना है लोगों को लगता है कि बहुत दिन से तो ये रहा है ये ख़तरा तो धीरे धीरे हमको लगता है कि खतरा है पर कुछ होगा नहीं तो ये एक समझ है ये नहीं सोचते कि अभी भी कोई भी बटन दबा देगा तो दुनिया खत्म होने के कगार में पहुंच जाएगा एक तो ये बात है आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात कर रहे थे उस वक्त सही बात है कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में लड़ाई हो रही थी बासठ के युद्ध हिमालय के वहां पर ठंडे जगहों पर लड़ाई हो रही थी पर उस वक्त मुझे अभी भी याद है हमारे एक टीचर थे उन्होंने कहा ये तो ठीक है हमारे बीच में हो रहा है पर दुनिया ख़त्म होने की संभावना है जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस लेके है तो इसीलिए उस पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है सबको तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उस वक्त भी दुनिया के लिए हमारे लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी हालांकि सही बात है कि बासठ हम उस संदर्भ में याद नहीं करते जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में करना चाहिए उस संदर्भ में नहीं करते हिंद चीन भारतवर्ष की लड़ाई के संदर्भ में ही करते हाँ हम लोग मतलब साठवीं जो एनिवर्सरी है करीब एक महीना पार कर गए लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बिल्कुल जिक्र तक लगभग नहीं हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब जिक्र करेंगे तीन बार उस वक्त न्यूक्लियर एक्सचेंज के कगार पे दुनिया पहुंच गई थी जी उसका एक तो घटना पंद्रह दिन के अंदर हाँ पंद्रह दिन के अंदर आप पहुंच गई थी उस वक्त एक तो काफी प्रचार अमेरिका दूसरे लोगों ने किया है कि सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर ये उन वो कम्युनिकेशन के बाहर थे उस वक्त क्योंकि समुद्र के नीचे थे वाटर तब उन पर डायरेक्टिव था कि अगर आपको लगता है कि युद्ध शुरू हो गया है तो आपको न्यूक्लियर मिसाइल दागने हैं, तो वहां पर उस पर कुछ अमरीकी जहाज उनको लोकेट करके उसको किए थे जो लोगों को लगा कि ये तो युद्ध शुरू हो गया है तो वो वहां पर टू टू वन डिवीजन हुआ था तीन लोगों पर ये वोटिंग राइट थी कि न्यूक्लियर लॉन्च अंदर लॉन्च करे ना करे न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करे ना करे तो तीन लोगों के पास वोटिंग राइट था जो लीडर्स थे उस जहाज़ के उसमें अगर थ्री नील होता तब न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकते हैं okay. और वो नहीं हुआ एक ने कहा कि नहीं अभी वेट करना चाहिए सब्र करना चाहिए हम सरफेस करें ऊपर जाए उसके बाद देखें और... क्या हुआ उसके आधार पे करें तो वो एक लोगों को काफ़ी मालूम है पर दो न्यूक्लियर बेसिस अमेरिका में बिल्कुल वही स्थिति थी जिसके वजह से न्यूक्लियर बमबारी शुरू हो सकता था और वहाँ भी एक एक, एक इंसान के वजह से दो जगह पे एक एक इंसान के वजह से वहां पर न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं हुआ एक हुआ था कि एक ब्लैक बेर जो है वो अपना उस मिजाइल की जो पेरीमीटर है मिजाइल बेस की जो पेरीमीटर है वहाँ मतलब पर बेर मतलब भालू भालू वो एक अमेरिकन मतलब नहीं, नहीं, नहीं 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 एक मिलिट्री बेस पे वो वो वहाँ पर बैरिकेड जो होता है जो चारों तरफ जो रहती है उसकी बैरियर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तो उस अलार्म बजा उस अलार्म कनेक्टेड था और एक बेस पे जिससे उनको लगा कि शायद यहाँ पर कमांड दी जा रही है हमको जहाज ऊपर हवाई जहाज ऊपर उड़ाने की और वो लोग टेक ऑफ करने जा रहे थे तब एक को लगा गलत है तो उसने रोका जीप खड़ी कर दी रनवे पर तो वो रोका अगर नहीं होता तो शायद वो भी न्यूक्लियर एक्सचेंज में बदल सकता है तीसरी घटना हुआ था कि गलत कमांड गया था तीन बार एक मिसाइल बैटरी को कि अब मिसाइल दागो और उसने वहाँ भी एक कमांडर ने बोला ये गलत है हम वेरीफाई करते हैं फोन से तब जाके वो मिसाइल दागे नहीं तो तीन बार ये तीन बार हुआ था कि लगभग मतलब दुनिया मतलब खत्म होने की बिल्कुल स्थिति में पहुंच गई थी आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें क्योंकि इसकी इसका बहुत जिक्र हुआ है पिछले कई सप्ताहों से तो हम आपके विचार जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की इमीडिएसी बढ़ गई है जो घटनाएं हम फरवरी के महीने से रूस और युक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट जो वॉर देख रहे हैं क्या इसकी वजह से इसकी इमीडिएसी बढ़ गई है देखिए दो चीजों की वजह से विदेशी बढ़ गई है कहना पड़ेगा एक यूक्रेन युद्ध को लेकर और एक जो तनाव ताइवान को लेकर हो रहा है वहां पर भी घोषित परिणाम तो ये है कि अगर ताइवान अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगा तो चीन उसको मानेगा नहीं और अगर ये होगा तो फिर युद्ध की संभावना खड़ी हो जाएगी अमेरिका की पोजीशन है चाहे हम ताइवान के पक्ष पे लड़ाई करेंगे और अगर ताइवान युद्ध ताइवान इस तरह से इंडिपेंडेंस घोषणा नहीं करता तब अभी भी इस तरह का कोई जंग होने की शायद संभावना नहीं है पर अमेरिका भी भी अपने जो युद्ध जहाज़ वगैरह जो है चीन की बराबर कोस्ट लाइन से निकालता है ताइवान और चीन की सत्तर किलोमीटर की फासला है उसके बीच में युद्ध जहाज जहाज़ ले जाता है तो एक तरफ जो है एक चीन को मिलिट्री दबाव में लाना एक कोशिश उनकी जारी है ताइवान वहाँ पर एक केंद्र बिंदु है जिसको लेके फिर जंग उभर सकता है और यूक्रेन में आप जो देख ही रहे हैं कि जंग चल रहा है और इसमें नेटो पूरी तरह से इस पर शिरकत कर रही है क्योंकि पूरी आर्म्स उसको वहाँ जा रहा है पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो, जो क्या कहते हैं उसकी निगरानी करने की मिलिट्री थिएटर को निगरानी करने के लिए सैटेलाइट भी पूरी तरह से यूक्रेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी इस ये देखते हुए इसको ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई है यूक्रेन युद्ध क्षेत्र है पर लड़ाई चल रही है तो, नेटो नेटो साथ। साथ तो, तो इसमें यहाँ भी कोई भी मामूली सा भूल चुक अगर किसी से हो जाता है यहाँ भी वही संभावना खड़ा हो जाता है जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेकर था अभी रिसेंटली आपने देखे होंगे ये बराबर कहा जा रहा है कि रूस ने धमकी दी है न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने की हालांकि इस तरह की धमकी पुतिन की कोई इस तरह बातों नहीं। में नहीं आया ना कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर की कोई भी बात में इसमें नहीं आया पर यह बात लगातार कही जा रही है और बार बार अगर बीडिया, अमेरिकन बीडिया, बीडिया तो मीडिया अमेरिकन मीडिया वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न मीडिया का है कैंपेन है कैंपेन है तो उसको लगता है कि शायद सच है जैसे अभी नॉर्थ स्ट्रीम में किसने उड़ाया है पाइपलाइन को लगातार कहते तो संदेह रूस के ऊपर है क्यों है कोई सबूत उसके नहीं दे रहे हैं लगातार कहे है, जाए रूस अपना पाइपलाइन खुद ही उड़ा दिया तो ये इस तरह की कैंपेन में संभावना ये ये भी बनता है कि यूक्रेन अगर उसको लगता है कि अगर एक न्यूक्लियर प्रोवोकेशन किया जाता है रूस बदनाम होगा और भी होगा तो रूस कहता है डर्टी बॉम्ब वगैरह इस्तेमाल यूक्रेन करेगा तो इस तरह का जो बातचीत होती है जो कैंपेन होती है जो प्रोपागेंडा होता है इसको कभी भी बैकफायर करने की भी संभावना है कोई छोटी घटना से बड़ी घटना बन सकती है सिर्फ इसीलिए कि दूसरे लोगों ने आपको गलत समझा कुछ देखा और कोई बटन दबा दिया तो ये जो घटनाएं हैं दोनों तरफ से जब न्यूक्लियर अस्त्र रहते हैं नेटो और रूस के बीच में है चीन और अमेरिका के बीच में है तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है तनाव इस वक्त दुनिया में जो बढ़ रहा है ये संभावना संभावना ज़्यादा सामने आ रही साम है तो तनाव बढ़ रहा है इसको डिफ्यूज़ होना बहुत जरूरी है इसलिए इसको समझना ज़रूरी होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस उतना बड़ा तनाव होने के बावजूद फाइनली जाके डिफ्यूज हुआ उसके बारे में तो मैं बात करूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा कई बार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बात होती है वो सिर्फ वो पंद्रह दिन या एक महीने के इवेंट्स को देखते हैं लेकिन उसके पहले के जो एक दो साल से जो इवेंट्स चल रहे थे अमेरिका की क्या पॉलिसीज थी क्यूबा के प्रति क्यूबा के प्रति जो पॉलिसीज थी वो क्यों थी नाइनटीन ऑनवर्ड्स क्या हुआ था क्यूबा में और अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से क्यूबा ने किस तरह से अपने आप को सेफ करने की कोशिश की इन सब चीजों के बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों को जो कहते हैं एक छोटे से फ्रेज में कहते हैं बैकड्रॉप ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपसे सुनना चाहता हैं बैकड्रॉप ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो हम बताएंगे है थोड़ी सी पर उसके साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि क्यूबा पे अभी भी अमेरिकी सैंक्शंस बरकरार है बिल्कुल तो आज भी बासठ से शुरू होके 2022 हो गया, हो गया साल बीत गया, साठ साल बीत गया पर अमेरिका की सैंक्शन छोटा से द्वीप क्यूबा छोटी सी पॉपुलेशन फ्लोरिडा से थोड़ी ही दूर में समुद्र में है अभी भी उन पर सैंक्शन अमेरिका की पूरी तरह से जारी है क्यों शुरू होता है ये दुश्मनी इस बात से शुरू होता है कि वहां पर जो डिक्टेटर थे वो अमेरिका के पिट्टू थे और सभी जानते हैं कि क्यूबा में लोग जो है फ्लोरिडा से जाते थे वहाँ पर कैसिनोस थे वहाँ पर जुआ खेलना वहाँ पर और भी चीज़ों सामग्री उपलब्ध थी जिसके लिए लोग वहाँ पर जा जाते थे। <coughs> वो पूरी तरह से अमेरिका के सिर्फ पक्ष में नहीं अमेरिका के पेरोल पे थे अगर कहे तो तो जो वह, डिक्टेटर थे, डिक्टेटर बतिस्ता। थे। बतिस्ता। थे। बतिस्ता। हाँ। तो उसके खिलाफ वहां पर कई बार उभर के लोगों की रेजिस्टेंस हुई है आंदोलन संघर्ष हुई है पर क्रांतिकारी ताकतें इकट्ठे हुए थे उस समय उस के नेतृत्व में क्रांतिकारी ताकत इकट्ठा होकर तो वहां पति को गिदा दिया सस्ता हासिल कर ली तब इनको था कि कोई ऐसा कु होगा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हत्ता हासिल कर लिया पैसे से खरीद लेंगे ये नहीं हुआ तब उनके खिलाफ जो है लगातार कोशिश रही 59 से लेकर 62 तक कैसे इस सरकार को हटाया जाए और उसके लिए कैनेडी जीतने के बाद ही इन्वेशन भी क्यूबा की हुई थी आपको याद होगा क्यूबन इन्वेशन होता है जो में बे ऑफ पिग्स का बे ऑफ पिग्स के नाम पे होता है तो इकसठ में एक साल पहले हुआ थासठ में एक साल पहले हुआ कैनेडी की प्रेसिडेंट जो ही उन्हें प्रेसिडेंट बना तभी बे ऑफ पिग्स होता है तो कैनेडी को कहना था हमें इतना मालूम नहीं था हमने तो अभी ये किया है तो तो, तो कर पहले, से हुई पहले से हुई होगी हो पर कैनेडी कास्त्रो को गिराना चाहते थे इसमें कोई दो राय नहीं तो इसको देखते हुए तो उन्होंने सोवियत uh, यूनियन का सजोप उनके साथ संबंध बढ़े कास्त्रो ने सोवियत यूनियन से इसके चलते अमेरिकन अटेम्प्ट्स टू डिस्टेबलाइज क्यूबा के वजह से उन्होंने अपने सोवियत uh, रूस से अपने समझौतों को स्ट्रेंथन किया संबंध बढ़ाए संबंध बढ़ाए सामरिक संबंध बढ़ाए और उसके खिलाफ वहाँ पर जो डिफेंस कहे ऑफेंस कहिए न्यूक्लियर वेपन्स जब लगाए थे इस बात पे थी कि उस वक्त अमरीका सौवे अपने मिसाइल सोवियत यूनियन से थोड़ी ही दूर में इटली और टर्की में उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स बसाया था और न्यूक्लियर मिसाइल जो उन्होंने वहाँ रखा था दोनों जगहों पर वो ऐसे मिजाइल्स थे रूस को लगा कि ये तो फर्स्ट स्ट्राइक करने वाली वेपन्स है ये सेकंड स्ट्राइक वाली नहीं ये फर्स्ट स्ट्राइक के लिए है तो डिफेंसिव वेपन्स नहीं है ये तो ऑफेंसिव वेपन्स है, और उस वक्त अमेरिका का जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थे न्यूक्लियर ताकत थी वो रूस से करीब नौ से दो दस गुना ज़्यादा था तो उस हालात में उस हालात को देखते हुए उन्होंने कहा तर्की में मिसाइल रखे हैं तो हमारे बॉर्डर के थोड़े ही दूर में है तब हम क्यों ना क्यूबा मिसाइल रखें एक तो क्यूबा की प्रोटेक्शन होगी और हमारी भी प्रोटेक्शन होगी हमारे ऊपर अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो हम भी हमला कर सकते हैं तो ये इस संदर्भ में वहां पर न्यूक्लियर मिसाइल उन्होंने रखा था जी आ, बे ऑफ पिग्स अमेरिकन एक तरह से मिस एडवेंचर बोला जाता है मिलिट्री एड़, मिस एडवेंचर आपको भी ये ऐसा ही लगता है देखिए उनका पहले था कि ऐसे डिक्टेटर्स हैं छोटे मोटे उनको गिराना बड़ा आसान है वो पहले कर चुके थे कई लैटिन अमेरिकन देश में कर चुके थे जिनको वो बनाना रिपब्लिक्स कहते थे तो उनको गिरा के उनको लगा कि क्यूबा में भी ऐसी होगा पर क्यूबा में कास्टो की क्रांतिकारी भूमिका जो थी उस पर बड़े पैमाने पे क्यूबन जनता की समर्थन थी इसीलिए वो नहीं हो पाया वहाँ पे और लोगों ने रजिस्ट किया ये जो है अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ कितना तो छोटा सा देश एक छोटा सा लीडर हमारे जैसे मुल्क को विरोध करके खड़ा हुआ है और कास्त्रो और एक क्रांतिकारी कास्त्रो की जो क्रांतिकारी भूमिका थी क्यूबा एक बहुत बड़ा मिसाल बन रहा था लैटिन अमेरिका में जो जिसके खिलाफ अमेरिका का बहुत न जिसके वजह से अमेरिका को क्यूबा के प्रति बहुत नफरत था और ख़ासतौर से कास्टरों को बड़े ही इस दृष्टि से देखते थे इसको कैसे ख़त्म किया जाए अगर आप सीआईए के जो डॉक्यूमेंट्स बाद में निकले हैं क्यूबन क्यूबन क्यूबा पर क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर पर फिद कास्ट्रो पे कितने हमले के प्लान किए थे उसकी पूरी विवरण है वो तो कुछ तो हस्तास्पद है जो प्लान्स कर रहे थे पर पूरी कोशिश इनकी थी क्यूबा के क्यूबा के ऊपर हमला किया जाए और कास्ट्रो को हटाया जाए और उस पर कैरेडी पूरी तरह से शरक थे ऐसा नहीं कि उनके जानकारी से नहीं हुआ जी अमेरिका uh, में 1960 में मतलब 59 में क्यूबा uh, में कास्त्रो ने पावर सीज किया और उसके बाद से अमेरिका America, अमेरिकन जो एस्टैबलिशमेंट था उनको ऐसा लगने लगा कि ये गेटवे टू अ रेडिकल टेरिटरी पूरे लैटिन अमेरिका में हो जाएगा दूसरी तरफ फिदेल कास्त्रो ना कि सिर्फ साठ में लेकिन बहुत बाद तक नाइनटीन में भी जिस पीरियड में लेट सेवेंटीज और अर्ली नाइनटीन में जिसमें जिस वक्त में थोड़ी बहुत पोलिटिकल कॉन्शियसनेस uh, मेरी भी बड़ी कास्त्रो हीरो थे तो हीरो बनने के क्या कारण था सिर्फ यही एक चैप्टर था या कई और घटनाएं भी थी जिसकी वजह से कास्त्रो का जो अभी भी जो दुनिया में जो एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं उनमें एक डिफरेंट किस्म का एक और है uh, कास्त्रो का समझना बहुत जरूरी हाँ और इज्जत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि चे गोएारा और हाँ, कास्टो समझना दोनों जरूरी है। का दोनों का दुनिया में एक अलग किस्म का उनका एक प्रोफाइल है और उनका चेहरा छवि जो है अभी भी खास तौर से यूथ के लिए बहुत अहमियत रखता है हम भी जब नौजवान थे कास्टो हमारे जमाने की उदाहरण है मिसाल है लेनिन वगैरह तो पहले की है माओ की एक पीढ़ी पहले ही मानते हैं उनकी शुरू होता है सत्ताईस से लड़ाई तो उसको देखते हुए कि हमारी पीढ़ी के लिए आपकी पीढ़ी के लिए भी शायद कास्टो एक बहुत बड़ा मिसाल थे क्रांतिकारी मिसाल थे दूसरी बात कि वो छोटे देश के नेता थे पर इसके बावजूद उन्होंने पूरा लैटिन अमेरिका की जो क्रांतिकारी मूवमेंट का है प्रोग्रेसिव मूवमेंट का है उनके मार्गदर्शक थे वहाँ की क्यूबा की जो स्कूल है उस पे लोग पढ़ने जाते थे उन्होंने मेडिसिन में दवाइयों में पब्लिक हेल्थ में एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें की जो अभी भी लोग मिसाल के तौर पे देखते हैं और इससे आगे बढ़ के जिस लिए लोग अभी भी अफ्रीका में उनको याद करते हैं क्यूबन क्यूबन वॉल्टियर्स आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एंगोला ऐसे जगहों पे लड़ाई की जमीन पे और साउथ अफ्रीका की फोर्सेस को शिकस्त दी तो ये भूमिका लोग भूले नहीं है अभी भी उनको लगता है किसी को तो मालूम है नहीं उस पर को तो कुछ मिलना नहीं था पर क्रांतिकारी ये भूमिका चे अब आप जानते ही हैं क्रांतिकारी कोशिश में अपने जान बिगा तो ये जो छवि है सिर्फ बातों से नहीं पर करके दिखाना ये क्रांतिकारी भूमिका इसके लिए कास्ट्रो और चेग वेबारा की दोनों की बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में बहुत लोगों को इंस्पायर किया लिटरेचर इंस्पायर किया लैटिन अमेरिकन लिटरेचर कहीं ना कहीं आपको इन्हीं के पॉलिटिकल थॉट्स के बहुत रिफ्लेक्शंस मिलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बहुत ही तीन तीन बार आपने कहा कि अलग अलग तरह से बिल्कुल एज पे पहुंच गई थी जहां पे कुछ भी हो सकता था परमाणु युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता था डिफ्यूज कैसे हुआ पे दो पहलू इसकी है एक लोगों को मालूम है कि वो जो आमतौर लो, लोगों के बीच पे चर्चा होती है जो कैनेडी कई बार कह चुके हैं और मिसाइल क्राइसिस के बाद उन्होंने पब्लिकली जो कहा कि रूस पीछे हट गया दे ब्लिंक्ट आ, उनका जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेरे ख्याल से उनका कहना था द्लिंक्ट तो ये सिर्फ इतनी हमने उनको कहा कि हम क्यूबा पे आक्रमण नहीं करेंगे नॉन इन्वेशन का गारंटी दी उस हथियार हटा लिया मान हड़ हड़ वो मान गए और लेके चले गए हट गए वो हथियार लेके चले गए एक हिसाब से हथियार गेर दी इस आश्वासन से हम क्यूबा को अटैक नहीं करेंगे जिस पे अलिखित जो पब्लिक नहीं है पर वो अंदरूनी एग्रीमेंट जो था साफ है क्योंकि वो एग्रीमेंट अब खुलासा उसकी हो चुकी है टर्की में उनकी अमेरिका की पंद्रह जुपिटर मिसाइल्स थे न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स थे जो कि क्रुशेव जो ही मिसाइल क्राइसिस शुरू हुआ क्यूबा में तब उन्हें कहा था ठीक है हम हटा लेंगे क्यूबा से आप टर्की से पंद्रह जो आपके जुपिटर मिसाइल से वो हटा लीजिए दोनों तरफ से एक बराबरी हो जाएगी हमने भी हटा लिया आपने भी हटा लिया तो अमेरिका इसको माने पर मानने के साथ साथ कहे कि ये पार्ट जो हमने हटा लिया इसको पब्लिक नहीं कर सकते कि नहीं तो टर्की में इसका बड़ा रिएक्शन होगा तो उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे आप इतना मान जाओ कि हम हटा लेंगे पर उसको पब्लिकली हम बताएंगे नहीं किसी को तो इसका यही फल हुआ कि अमेरिका की जो कूटनीति है जो उनकी मिलिट्री नीति है तो उस पर लोगों को लगा कि बहुत टिके रहने पे, बहुत हथियार दिखाने से तो लोग पीछे हट जाते हैं हमारे जय होता है तो जो किसी भी क्राइसिस में बैक चैनल चलाना उसके साथ साथ समझौता कैसे हो सकता है वो देखना कैसे बीज बिचाव हो सकता देखना उसके जगह पे सिर्फ जो है हथियार घुमाना ही हमारा काम है इससे हम जीत हासिल कर लेंगे सब पीछे हट जाएंगे ये उनकी कूटनीति का एक जो समझ है ये धीरे धीरे पैदा हुआ है क्योंकि ये अध्याय ये जो अदर हिडन साइड है क्यूबन मिजाइल क्राइसिस का और उसके सोल्यूशन को इतना लोगों को पता नहीं है बाद में ख़ुलासा है अभी तो नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट्स ओपन है हम सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम देख चुके हैं इसके बारे में किताबें लिख चुके हैं लोग इसमें पर ये बात अभी भी लोगों के जहन में नहीं है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्यूबा से मिसाइल्स वापस ली गई थी तर्की से भी मिसाइल्स वापस ली गई थी तो सवाल ये उठता है इसमें से कि क्रश ने क्यों इनेबल किया कैनेडी को पब्लिक रिलेशंस के वॉर को जीतने का देखिए ये तो एक बात उस समझनी पड़ेगी कि उस वक्त सोवियत यूनियन भी जानता था कि उसकी ताकत अमेरिका से काफ़ी कम है okay. तो उनको अगर फेस सेविंग नहीं करने देते और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हल नहीं होता तो जंग जो होगा दुनिया तो ख़त्म हो ही जाएगा पर उससे रूस का नुकसान सोवियत संघ का नुकसान अमेरिका से काफ़ी हो ज़्यादा होगा।, होगा क्योंकि अमेरिका का ताकत वाकई रूस से कई गुना था ज्यादा था।, था और वो अमेरिका को मालूम इतना नहीं था क्योंकि कैनेडा का पूरा चर्चा चुनाव में यही था कि मिसाइल गैप है रूस के पास ज़्यादा हथियार है हमारे पास कम है तो हमको और ज़्यादा हथियार बनाना पड़ेगा वो तो एक्चुअली जो उनकी कैंपेन थी वो रिपब्लिकन पार्टी को फ्रॉम द राइट अटैक कर रहे थे लेफ्ट से अटैक नहीं कर रहे थे उसकी प्रेसिडेंट कैनेडी के जो एक हेलो है कि वो शायद शांति चाहते थे पर वियतनाम जंग भी उन्होंने शुरू की थी तो ये चीज़ें जो है एक गलत फहबी लोगों में पैदा किया था पर सोवियत संघ की उस वक्त मजबूरी थी कि कैसे हम कम से कम एक ऐसे माहौल पैदा करें जहाँ तुर्की से मिसाइल हटे कि टर्की से मॉस्को की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं था तो अगर नहीं है आप देखें वो इजमेर में वो के एयर बेस है वहाँ पर मिसाइल्स रखे हुए थे तो उनकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और इसीलिए लिए वहाँ से मिसाइल हटाना का हटाने का मतलब है कि शायद जंग अब होने का संभावना घटेगा जो वाकई सोवियत संघ का बहुत सोवियत संघ के लिए बहुत ज़रूरी था।, था तो इसीलिए लोगों को अमेरिका में भी उनको लगता था कि शायद सोवियत संघ की सामरिक मिलिट्री ताकत ख़ासतौर से मिसाइल ताकत न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जितने हैं उनके पास काफ़ी है पर वो हकीकत नहीं था कृषि बाद में भी कहा था अगर उनको मालूम होता कि हमारे पास क्या एक्चुअली है तो शायद, तो शायद हमको वो नहीं अटैक करते जो, जो हमको पहले अटैक करते वो सिर्फ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के संदर्भ में नहीं ऐसे लार्जर पिक्चर से कह रहे थे उनको मालूम नहीं था सही पिक्चर क्या है नहीं तो शायद हमको पहले अटैक करते और हम उसको शायद रजिस्टर नहीं कर पाते एक आखिरी सवाल मिसाइल क्राइसिस डिफ्यूज होने के बाद कास्त्रो के इमेज उनकी पॉपुलैरिटी पर क्या इम्पैक्ट हुआ क्योंकि वो उसके बाद मतलब अभी भी वही रजीम सत्ता में है और अमेरिका अभी भी एक तरह से क्यूबन वॉर नहीं जीत पाई है देखिए क्यूबा के लिए जो जीत ये थी कि नॉन इन्वेशन गारंटी अमेरिका ने दी कि हम दोबारा इसको कब नहीं तक? पर्मनेंट पर्मनेंट हो क्योंकि अब जो है साल बाद फिर वहाँ करेंट करना संभव नहीं लगता आज की दुनिया के हालात देखते हुए लगता नहीं कि क्यूबा में जाके वो कर सकते हैं क्यों उसकी इम्पैक्ट लैटिन अमेरिका पर इतना खराब पड़ेगा वो अमेरिका को भी मालूम है अभी भी लैटिन अमेरिका लिए कास्ट्रो हीरो है तो क्यूबा की क्यूबा की क्रांति उसके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है तो उसको देखते हुए क्यूबा पे जाके दोबारा हमला करना अमेरिका के लिए अब संभव नहीं है तो क्यूबा की छवि कास्ट्रो की इस कास्ट की छवि खास तौर तो से जो आपने पूछा नहीं। नहीं। इस क्यूबन मिजाइल क्राइसिस से घटा नहीं बढ़ाई था कि क्यूबा अमेरिका से कम से कम ये तो वसूल कर लिया कि हमारे ऊपर कभी और दोबारा इस तरह के हमला नहीं होगा जो बे ऑफ पिंक जैसे घटना और नहीं फिर से कभी नहीं होगा इन्वेजन नहीं होगा अमेरिका से सैंक्शंस रहेगा उसको हम झेल लेंगे पर हमारे ऊपर इस तरह का हमला सामरिक हमला मिलिट्री हमला नहीं होगा तो ये क्यूबा की जीत थी आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से बहुत ही मल्टीलेय तरीके से एक्सप्लेन किया कि आज के युग में क्यों हमें जरूरत है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को जानने को उसका खुद रिविजिट करें हम सब रिविजिट करें उसके बारे में और पढ़ें और फिर आज की दुनिया में उसका क्या इफेक्ट है हम क्या सीख लेके चल सकते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवी तो ये थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की कई सारे लेसन्स जो हम सीखे आज और आज के दुनिया में क्या होना चाहिए किस तरह से क्राइसिस डिफ्यूज किया जाना चाहिए उसका एक ब्लू है क्या वो फॉलो होगा या नहीं होगा वो कहना मुश्किल है क्योंकि आज जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है उसके सिचुएशंस बिल्कुल अलग हैं लेकिन जैसा कि प्रबीर जी ने समझाया था पहले कि बैकड्रॉप एक तरह से इमीडिएसी बढ़ गई है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को समझने है. ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद